हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दैट चैनल। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और पता नहीं क्यों आज मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दोपहर से अचानक से पता नहीं क्यों मेरा आज मूड स्विंग हो रहा है। वैसे तो मूड स्विंग का बहुत सारे कॉजेस होते हैं, बट किस कारण से होते हैं हम लोगों को पता नहीं चलता है। वैसे भी मुझे पता नहीं आज किस कारण से हुआ है, लेकिन ये बता सकती हूँ कि जिस कारण से होता है वैसा कुछ कारण अभी मेरे पास नहीं है। अगर होता है तो मैं जरूर इन्फॉर्म करूंगी आप लोगों को। लेकिन मन बहुत खराब था, बिल्कुल भी छूट नहीं कर पाई मैं आज सुबह से। और जब अचानक से मेरा मन ऐसे खराब हो जाता है ना, तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ जो मुझे पसंद है वो सब करना। तो अभी शाम के टाइम है, टी टाइम है, मुझे पसंद है मिल्क टी पीना, तो इसीलिए मैं आज अपने मूड को थोड़ा सा ठीक करने के लिए पीऊंगी मिल्क टी। जब हमारा मन बहुत खराब होता है तो अपने हाथ से चाय बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो इस टाइम पे मैं बहुत ही इजीली अपना पसंदीदा मिल्क टी बना लेती हूँ। इसके लिए कोई झंझट नहीं होता है। एक्चुअल में इस टाइम पे अगर मैं खुद अपने हाथों से चाय बनाना भी चाहूँ ना, तो कभी शक्कर ज्यादा, कभी दूध कम, कभी दूध ज्यादा शक्कर कम, ऐसा हो जाता है, तो टेस्ट भी बराबर नहीं रहता है, उससे मूड भी ठीक नहीं होता है। इसीलिए इस टाइम पे मैं यूज करती हूँ गिरनार प्रीमिक्स मिल्क टी पैकेट। बस 100 ml पानी उबालो और उसके अंदर डाल दो एक प्रीमिक्स, देन बराबर टेस्ट वाला मिल्क टी रेडी। तो मैं अभी इस टी को खत्म करूंगी, आप भी अपना टी खत्म करके आ जाइए। मैं आज बहुत ही स्पेशल एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। से अगर कोई मुझे चूज करने के लिए बोले तो मुझे चाय ज्यादा पसंद है, इसीलिए वैरायटीज टाइम पे मैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ चाय के बारे में। मैं कुछ दिन से ग्रीन टी पी रही थी, आप लोगों को पता है, पी रही हूँ, पी रही थी नहीं। तो उससे क्या होता है ना, जो टी बैग्स आता है, मुझे लग रहा है कि मुझे टी बैग्स यूज करना नहीं चाहिए क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, और मुझे लगा ये खर्चा अगर मैं कहीं और पे इन्वेस्ट कर सकूं तो उससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, और मुझे एक बहुत अच्छा चीज भी उससे मिलने वाला है। तो इसीलिए मैंने अपना टी बैग्स को खर्चे को ट्रांसफर कर दिया इस चीज में। ये देखिए, ये रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, एक बहुत ही काम का चीज है। ये है एक ग्लास कैटल जिसके अंदर ऑलरेडी एक स्टेनर इन्फ्यूज किया हुआ है, और ये है इसका स्टेनर, इसका ढक्कन। चलिए अभी मैं इसका यूज बताती हूँ। पहले ये जो कैटल है इसको रखना है गैस ओवन पर। अभी आप लोग समझ रहे हो कि ग्लास के मग, वो भी गैस पर, जी हाँ, ये है हीट रेजिस्टेंट जिसको हम गैस में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये गैस में जाएगा और उसके बाद इधर डालेंगे अदरक, इलायची, जो भी मुझे डालना है, या फिर ग्रीन टी, अगर ग्रीन टी पीना है तो इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद बॉइल्ड पानी में इसको ऐसे डीप कर देंगे। स्टेनर में जो भी होगा उसका जो जूस है वो निकाल के आ जाएंगे बॉइल्ड पानी में, तो हमारा चाय हो जाएगा रेडी। तो इसीलिए मैंने ये परचेस किया है, ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिला है, इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं तो इस टाइम पे ये परचेस नहीं करती, एक्चुअल में बहुत दिन से ये मेरे विश लिस्ट में था लेकिन मैं परचेस नहीं कर रही थी। लेकिन एक टाइम मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ वो फोटो फ्रेम ऑर्डर किया था और वो गलत आया था, तो मैंने रिटर्न कर दिया था और उसका पैसा मेरा वॉलेट में जमा था, जिससे मैंने खरीद लिया है ये बहुत ही एक काम का चीज है, जिससे अगर जो ग्रीन टी पीते हो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप ग्रीन टी नहीं भी पीते हो फिर भी सब कुछ ये स्टेनर में डाल के चाय को बनाया जाता है, तो चाय को स्टेन करने का बाद में जरूरत नहीं पड़ता है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है, और ये दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। सो गाइस, मेरा परचेसिंग अगर अच्छा लगा है तो आप लोग भी अपने चॉइस में एक ऐसे ग्लास कैटल रख सकते हो। आज का वीडियो यही तक का था, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा गाइस।